झुंझुनू में भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में झुंझुनू के पिलानी में बिरला सार्वजनिक अस्पताल द्वारा आज से महिला स्वास्थ्य सप्ताह का आगाज किया गया। इस मौके पर स्वस्थ महिला यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे प्रवासी उद्यमी डॉक्टर मधुसूदन मनीष मालानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्वस्थ महिला उज्जवल जिला का संदेश देते हुए नर्सिंग छात्राओं ने पिलानी कस्बे के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। डॉक्टर मालानी ने बताया कि आने वाले 7 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं के स्वास्थ्य, वित्तीय क्षमता वृद्धि, सम्मान समारोह के जरिए स्वस्थ महिला उज्जवल जिला का संदेश दिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम महिला सप्ताह मना रहे हैं, जिसमें 8 मार्च आज हमने महिला स्वस्थ महिला यात्रा की शुरुआत करी है। उसके अलावा हम हर हफ्ते हर दिन ये पूरे सप्ताह में काफ़ी प्रोग्राम्स करने वाले हैं। जैसा सबसे पहले होगा हमारा कैंसर मुक्त महिला क्रांति, जिसमें हम फ्री कोल्पोस्कोपी चेकअप्स करने वाले हैं सभी महिलाओं के लिए। तो हमारी जो ये यात्रा निकली है, ये गांव-गांव में जाकर औरतों को आगाह करेगी और उन्हें बताएगी कि ऐसी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है एक दिन के लिए। अगला है हमारा महिला आत्मरक्षा क्रांति। आपको जैसे पता ही होगा कि महिला के प्रति क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है, तो उन्हें सशक्त करना के लिए हमने सेल्फ डिफेंस के हिसाब से एक वर्कशॉप रखा है, जो निशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो ये भी होगा 10 मार्च को। उसके अलावा 11 मार्च को हमारा वित्तीय सशक्त महिला क्रांति है, जिसमें हम महिलाओं के लिए खाते खुलवाना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको महिलाओं तक पहुंचाएंगे, ताकि वो वित्तीयता से सशक्त हो, जिससे वो आराम से अपना जीवन निकाल सके। अगला हम एनीमिया मुक्त महिला क्रांति करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम एनीमिया की टेस्टिंग व इलाज निःशुल्क प्रदान करेंगे। उनको खून इत्यादि चढ़ाना, ये भी हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 13 मार्च को हम आदर्श महिला पुरस्कार करने वाले हैं, जिसमें हम ऐसी महिलाओं जिन्होंने समाज में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, उन्हें हम सम्मानित करेंगे, ताकि वो आदर्श महिला के रूप में और भी ये काम करते रहें और अन्य लोगों को भी मोटिवेट करें। और आखिरी में 14 तारीख को हम वापस से एक समापन यात्रा निकालेंगे, कि ताकि स्वस्थ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बनी रहे।